Good morning, students. Welcome back to the computer class. I hope you all are fine at your home. But in the previous lecture, we have already discussed how we can set the background or how we can change the wallpaper of our desktop and how we can change or set the screensaver on our lock screen. But in the desktop background means we want to change the desktop image, the background image of our desktop. How is it possible? मैंने आपको पहले भी बताया था, we have already discussed in our lecture, in the previous lecture, we have to click on the empty area on the desktop and then you have to click on personalize button. बेटा, if you want to set any wallpaper or if you want to change any screensaver, both the options will be available in personalize button. Okay. Now today we are going to discuss about how we can change the window color. Means if we want to change the color of our window border and taskbar, how is it possible? I will tell you with the help of practical. And the second topic is gadgets. Yes, what are gadgets? Anybody else, can you tell me what are gadgets? आप लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हो? कैसे आप अपने एंड्रॉइड सेलफोन्स पे कुछ गैजेट्स यूज करते हो? आप डेली वेदर फोरकास्ट के बारे में जान पाते हो? आपकी होम स्क्रीन पर क्या होता है? इन अ वेरी स्मॉल एरिया आपको एक वेदर फोरकास्ट आप ऐप यूज करते हो, आप एक गैजेट यूज करते हो. डायरेक्टली आपको लाइक आपको क्लॉक अपने वॉलपेपर पे सेट करना है तो आप वो गैजेट भी वहां से क्या कर लेते हो, एक्सेस कर लेते हो. सो बेटा, द गैजेट्स आर अ वेरी स्मॉल मिनी प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन इन अ वेरी ग्लांस और इजी मैनर, जिसे हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं. और ये भी बोल सकते हैं दीज आर वेरी इजी टू यूज टूल्स, जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बट in our window 10 it doesn't provides us any gadget. If we want to use any gadget, we have to download it. It is also, I will tell you with the help of practical. Okay, and what are icons? Icons kya hote hain? The icons are the very small pictures on the desktop, means the graphical images which represents the file and the folder. And each and every folder, whenever we are going to click on it, whenever we are going to double click on it, in every folder it contains some contents. Okay, हर एक icon, हर एक folder, हर एक file क्या करती है? कुछ contents को save रखती है. तो जो हमारे icons होते हैं, क्या these are the very small pictures होती हैं जो represent करती हैं उस particular file या folder को. Okay, for example, on your desktop, this PC के नाम से आपको एक आइकन मिलता है. वेन एवर यू आर गोइंग टू डबल क्लिक ऑन इट, जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो आपको क्या शो करता है? जितने भी ड्राइव्स उसमें सेव होते हैं, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, या आप कोई भी डिवाइस उसके साथ कनेक्ट करते हो, लाइक आप अपना पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर से, तो वो भी आपको कहाँ शो करेगा? वो जितने भी कंटेंट्स उसमें, जितने भी स्टोर कंटेंट होंगे, वो सारे आपको कहाँ शो होंगे? दिस पीसी में. तो दिस पीसी फोल्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट कैन रिप्रेजेंट द ड्राइव्स जो उसके अंदर सेव है, लाइक सी ड्राइव एंड डी ड्राइव. सेम एज लाइक यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन रिसाइकल बिन आइकन. रिसाइकल बिन आइकन क्या बताता है? उसके ऊपर एक डस्टबिन की इमेज बनी होती है. तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी डाटा डिलीट कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है? वो एज अ डस्टबिन की तरह वर्क करता है. वो आपके डाटा को सारा वहां पर रिसाइकल बिन में डाल देता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसे आप डिलीट करना चाहते हो. और आपको अगर रिसाइकल बिन से भी उसको परमानेंटली डिलीट करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन और आप उसको वहां से परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हो. लेकिन व्हाट वाज द यूज ऑफ दैट आइकन? वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट वाज जस्ट लाइक अ डस्टबिन. जो चीजें हमें रिक्वायर्ड नहीं है कंप्यूटर को, हम उसको वहां पर डाल देते हैं. ठीक है, सो देर आर सो मेनी आइकन्स विच आर शोन ऑन योर डेस्कटॉप जो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ with the help of practical I will tell you how we can change the window border and taskbar color and what are gadgets. So let's start our practical. Beta, you have to click on empty area, then personalize button, then after that see, click on colors. Theek hai, because we want to change the window color of our taskbar or our borders. So this one is a preview area and then click on automatically pick an assist color by background. आप क्या चाहते हो? जो automatically by default ये color choose करता है आपका, वो ही set हो जाए. Show करो color on the star, taskbar, action center, जहां भी है वो automatically वही color show करे जो by default यहाँ पर show होता है, which is blue. देखो आपको simply वहां preview में दिखाई भी दे रहा है कि वो क्या color choose करेगा. ठीक है, now see, you have to
क्लिक ऑन क्रॉस बार। अब आप देखो आपके डेस्कटॉप पे आपका जो विंडो का बॉर्डर है, आप उसको रिफ्रेश करके देखो, जब आप दिस पीसी पे देखो ऊपर आपका बॉर्डर है, जो टास्क बार है और जो आपका टाइटल बार है वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में शोन है ना। सी, जब आप किसी स्टार्ट पे रिफ्रेश करके आप वापस से स्टार्ट बटन पे क्लिक करके देखो तो आपका स्टार्ट का जो पैलेट है वो भी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हो वापस से उसमें कोई कलर सेट हो, यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन पर्सनलाइज बटन, क्लिक ऑन कलर्स। अब आप उन सभी सेटिंग्स को क्या कर दो, क्लोज कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। अब आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज करो, लाइक रेड। आप क्या करो, उसको क्रॉस करके देखो, आपके टाइटल बार और आपका जो टास्क बार, आपके विंडो का जो बॉर्डर है वो रेड कलर में शोन होगा। हाउ वी कैन ऐड द गैजेट, सिंपली यू हैव टू टाइप हियर लाइक गैजेट्स। मैंने आपको बताया था विंडो 10, आपका विंडो 10 कोई गैजेट राइट नहीं, it doesn't provide any gadget. If we want to add any gadget, we have to download it from the internet. So now, how is it possible? यहाँ पर क्या करेंगे? Search में gadgets लिखेंगे. See, we have to use like, आप देखो यहाँ पे देख रहे होगे, आपको browser में दिखा रहा होगा कि add the gadgets window. आप यहाँ पर search करो, आपको जो भी यहाँ से gadget required है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, बिकॉज ऑलरेडी इट इज नॉट गिवन। और गैजेट्स का यूज क्या होता है बेटा, गैजेट्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसे हम इजीली और फ्रीक्वेंटली और बहुत इजी लेवल पर एक्सेस कर सकते हैं। देखो मैंने आपको दिखा था, वहाँ पे गैजेट ओपन होकर आएंगे जिन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक वेदर फोरकास्टिंग, आपने अपने सेल फोन्स पे देखा होगा वेदर फोरकास्टिंग होते हैं, लाइक मैंने टाइप किया, देखो आपको गैजेट्स दिखाई देंगे यहाँ से। You want to download any gadget ना, तो आप यहाँ से gadgets को download कर सकते हो। This one is the site we have to add some gadgets, like मुझे clock gadget add करना है, so we have to click on that gadget. Just I will show you how we can add the gadgets and what are the use of these gadgets in our gadgets क्या होता है, like आप ये watch download करो, आप लोग अपने cell phones पर भी, आप अपने mobiles पर करते हो, या आप अपने कंप्यूटर्स पर भी ये इस तरह के गैजेट्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको टाइम देखना स्क्रीन पर, वो अलग से एक राइट या लेफ्ट कॉर्नर पे आप उसको सेट कर देते हो, वो ऑटोमेटिकली वहां से आपको टाइम शोन करता रहता है, सेम एज इट इज फोरकास्टिंग के लिए भी होता है। सो दिस इज द वे टू ऐड द गैजेट इन द कंप्यूटर। द सेकंड वे टू ऐड द गैजेट्स डायरेक्टली टू आवर कंप्यूटर, इफ इन आवर laptop, even our desktop computers, if the gadgets are already stored, we have to just open it. And how we can open it, you have to click on the right side mouse button on empty area of empty area on the desktop. You have to click on gadget given hai. It means in my laptop the gadgets are not given, because maine aapko bataya ki Windows 10 it doesn't provide us any gadgets. If we want to use the gadgets, we can download it. So the option is not given, but in your book, I know it is written ki if the gadgets are already stored in your computer, you have to just click on the right side button of your mouse, and in that, the gadget option is given. If it is given, you have to click on that and access that particular gadget which you want. So this is the way to use the gadgets. Thank you.